हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, कल हमने जो छत्तीसगढ़ की रियासत का था उसमें आधा पार्ट को कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की रियासतें जो है किसने सबसे पहले साइन किया भारत में शामिल होने के लिए और कब ये रियासत छत्तीसगढ़ में शामिल हुई। साथ ही साथ जो रियासत जितनी भी है उनसे मिलकर छत्तीसगढ़ में और या मध्य प्रदेश के लिए कौन कौन से जिले बनाए गए, ये सब पार्ट हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। उसके पहले, वीडियो चालू करने के पहले, कल बहुत से लोग का आजकल ये क्वेश्चन आता है कि हम फलाना कोचिंग में जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं। तो देखिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, लेकिन बहुत से लोग जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद जो है अपना कॉन्फिडेंस को कमजोर करते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में देखिए अधिकतर कोचिंग सेंटर ऐसे क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है उस टेस्ट सीरीज में जो उसके मतलब लगभग अगर जितने भी क्वेश्चन उसके 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन डालने के पीछे उनका बिजनेस का उद्देश्य रहता है कि अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो जरूर आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा वहां पर और आपको लगेगा उस कोचिंग सेंटर में कुछ नया पढ़ाया गया तो आप उस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करेंगे। तो ये पहला उद्देश्य होता है वैसे क्वेश्चन डालने का। उसमें वैसे क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जरूर उसमें जो 70% क्वेश्चन जो अदर रहते हैं वो जरूर अच्छे, उसके लिए आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, वो जरूरी है। इसके अलावा जो सेकंड उद्देश्य रहता है, देखिए एक टेस्ट पेपर के पीछे 1000 से 2000 रुपए भी लिए जाते हैं, तो सोचिए अगर कितने बच्चे उसमें ज्वाइन करेंगे, उनका कितना बिजनेस होता है उससे। तो दूसरा उद्देश्य यही होता है टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराने का कि उसमें आप जो है उनका पैसा अच्छे से, उनको बिजनेस होता है उस चीज का। तो टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन भी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन के पीछे ना भागे जो कभी पेपर में पूछे नहीं गए हैं या ना पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। हाँ, जरूर अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप जो जहां भी टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जा रही है वहां जाकर आप उससे जरूर उनसे आंसर, जो आंसर की तो मिलती है, तो आप उनसे जरूर पूछें कि ये आंसर कहां से लिया गया या कैसे लिया गया है। तो वो आपको कितना आंसर दे रहे हैं आप उससे खुद समझ जाएंगे उनको किस उस बारे में कितनी नॉलेज है या क्या आपको कितना वो नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है। तो कल एक क्वेश्चन पूछा गया था डाउट में, पेशावर दिवस छत्तीसगढ़ में कब बनाया गया था। तो मैं ये बता दे रहा हूं, जब छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का चरण चल रहा था, तो उस समय जब ब्रिटेन जो है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में उस समय ब्रिटेन के द्वारा बहुत परेशानी उत्पन्न की जा रही थी, वहां बार बार हमले किए जा रहे थे या जो भी था वहां के लोगों को परेशान किया जा रहा था ब्रिटेन के द्वारा, उसी के लिए जो है यहाँ पर पेशावर दिवस उसी के विरोध के लिए मनाया गया था। तो छत्तीसगढ़ में जो है मैंने यहाँ पे लिखा है 29 जनवरी 1932 को जो है पेशावर दिवस मनाया गया था। और कौन कौन इसके लिए जो है पेशावर दिवस जब मनाया गया था रायपुर में मुख्य रूप से इसका आयोजन किया गया था, तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे वहां पर, उन्होंने भाषण दिया था जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा जो है मौलाना अब्दुल रऊफ, खूबचंद बघेल, महंत लक्ष्मी नारायण भी पेशावर दिवस से रिलेटेड हैं। तो ये आप देख लीजिएगा पेशावर दिवस, कभी पेपर में मैं अभी से बता दे रहा हूं कभी नहीं पूछने वाला ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ या भारत से रिलेटेड इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। बस यहां पर वहां पे चल रहा था तो यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो पेशावर दिवस 29 जनवरी 1932। इसके अलावा अभी कल के जो मैंने रियासत वाला पार्ट बताया था उसमें एक डाउट आया था कि जो रियासतों का गठन है वो एक 1946 में किया गया है, 1 अगस्त 1946। तो देखिए मेरे पास जो है हिंदी ग्रंथ एकेडमी की दो बुक है, यानी जो रियासतों के सिर्फ ऊपर है, रियासतों का विलीनीकरण के ऊपर, ठीक है, उसमें केवल रियासत के बारे में ही बताया गया और कुछ नहीं है। साथ ही साथ जो है ठाकुर प्यारेलाल की प्राचीन छत्तीसगढ़ जो बुक आती है उसमें भी, दोनों बुक में जो लिखा है, इसके अलावा जो अदर बुक है हिंदी ग्रंथ एकेडमी की उसमें कहीं कहीं लिखा है 1947 ही लिखा है आखिर उसमें भी, लेकिन कहीं पे उनका मतलब वहां पे लिखा है कि इस पूर्वी राज्यों के संघ के जो अध्यक्ष हैं वो रामानुज प्रताप देव थे, तो देखिए जो कोरिया के राजा थे तो वो नहीं थे कहीं लिखा है। लेकिन जो मैंने रियासतों का विलीनीकरण वाली जो बुक से मैंने पढ़ाया है और यहां तक प्राचीन छत्तीसगढ़ जो कि ठाकुर प्यारेलाल ने लिखी, दोनों की बुक का जो मैच करके मैंने पढ़ाया तो वो बिल्कुल सही है। जो उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे उड़ीसा के कालाहंडी के राजा थे और जो उसके जो भी सचिव बनाए गए थे वो महाराजा शक्ति के थे, इसके अलावा और कुछ उसमें नहीं था। तो 1 अगस्त 1947 ही बिल्कुल सही है, वो याद करेंगे आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एक चीज मैंने कल के वीडियो में बताना भूल गया था, लिखा नहीं था मैंने, कि जो रियासतों को छत्तीसगढ़ में मिलाने के लिए जो है 1862 में अंग्रेजों ने एक
मतलब अंग्रेजों ने वहां पर घोषणा की थी कि जो रियासत सबसे शक्ति या जमींदारी जो सबसे शक्तिशाली है उनको रियासत का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उन जमींदारियों को रियासत का दर्जा 1865 में दिया गया था। ये मैं 1862 घोषणा वाला तो बताया था, लेकिन 1865 में उनको जो है जमींदारियों को छत्तीसगढ़ में मतलब रियासत का दर्जा दिया गया था। तो याद रखिए घोषणा की गई थी 1862 में, लेकिन जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया गया था 1865 में, 1865 में, ठीक है। तो ये बात जो है कमेंट में किसी ने पूछा भी था तो मैं वहां पे बताता, तो आप लोगों को मैं वीडियो में, बहुत लोग नहीं पढ़ पाते तो इसलिए मैंने वीडियो में बताया, उसको कमेंट में जवाब नहीं दिया है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, 1865 में छत्तीसगढ़ में रियासतों को मतलब जमींदारियों को रियासत का दर्जा दिया गया था। अब हम आज का वीडियो चालू करते हैं। आज के वीडियो में हम कल जहां पे खत्म किए थे वहीं से चालू करते हैं कि जो रियासतों की जो जितने भी राजा रहते हैं उनकी मीटिंग नागपुर में बुलाई जाती है, तो उस नागपुर की मीटिंग में जो है 11 रियासत के राजा उपस्थित रहते हैं और 3 रियासत के उपस्थित नहीं रहते। तो जो उनको फॉर्मूला दिया जाता है कि भत्ता देने वाला उनके महल को नहीं छीना जाएगा, उसके पश्चात जितने भी वहां पर राजा उपस्थित रहते हैं वो उसमें एक अनुबंध पत्र में साइन करते हैं कि वो भारत में शामिल होंगे। तो सबसे पहले जो साइन करने वाले रहते हैं उसमें तो राजनांदगांव रियासत की जो उस समय रानी जयंती देवी, क्योंकि वहां के उस समय राजा रहते हैं राजनांदगांव के जिनका नाम रहता है दिग्विजय दास। दिग्विजय दास जो है उस समय व्यस्क नहीं रहते, तो उनके बदले जो है उनकी जो यहाँ पर मतलब रानी जयंती देवी उनके बदले यहाँ पर साइन करती जो उनकी माता रहती है, ठीक है। तो रानी जयंती देवी अपने जो अव्यस्क पुत्र रहता है उसके लिए यहाँ पर साइन करती है इस पत्र में, जो अनुबंध पत्र तैयार किया जाता है। याद रखिए सबसे पहले राजनांदगांव की रानी जयंती देवी जो है साइन करती है, इसके पश्चात जो है रायगढ़ के ललित सिंह, कांकेर के भानु प्रताप सिंह, खैरागढ़ के लाल वीरेंद्र सिंह, कोरिया के रामानुज प्रताप सिंह देव, उदयपुर के चंद्रचूर्ण प्रसाद, सारंगढ़ के नरेश चंद्र सिंह, छुई खदान के ऋतुपर्ण किशोर दास, कवर्धा के धर्मराज सिंह, शक्ति के लीलाधर सिंह, बस्तर के प्रवीर चंद्र भजदेव, सरगुजा के रामानुसरण सिंह देव, चांग बखार के कृष्ण प्रताप सिंह और जसपुर के विजय भूषण सिंह देव। तो इतने लोग जो है इस समय जो 14 रियासत है ये 14 रियासत जो है उसमें साइन करती है अनुबंध पत्र में, ठीक है। ये 11 रियासत यहाँ पर साइन करती है, इसके बाद जो ये मतलब ये बस्तर तक रियासत साइन कर देती है उस समय। उसके बाद जो है सरगुजा, चांद बकार और जसपुर के जो वहां पे उपस्थित नहीं रहते इन लोग बाद में साइन करते हैं। तो ये सरगुजा के रामानुसरण सिंह देव जो रहते हैं ये साइन करते हैं 19 दिसंबर के आसपास, और चांद बखार और जसपुर के जो राजा रहते हैं 31 दिसंबर 1947 के पहले इसमें साइन कर देते हैं। तो जितनी भी रियासत की सब जो है भारत में शामिल होने के लिए यहाँ पर साइन करते हैं, और 1 जनवरी 1948 को यह घोषणा कर दी जाती है कि जो जितनी भी छत्तीसगढ़ की रियासत है वो भारत में शामिल हो रही है। तो याद रखिए 1 जनवरी 1948 का वो दिन रहता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 जनवरी 1948 ये वो दिन रहता है जब छत्तीसगढ़ की सभी रियासत भारत में शामिल हो जाती है। घोषणा 1 जनवरी 1948 को की गई है। तो एक क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया है कब घोषणा की गई थी, तो 1 जनवरी 1948 को यह घोषणा की जाती है कि छत्तीसगढ़ के सभी रियासत भारत में बोले या मध्य प्रांत में शामिल कर ली जाती है। तो जितनी भी रियासत रहती है उसको मिलाकर यहाँ पर जिलों का गठन किया जाता है। तो कौन कौन से जिले का गठन 1948 में हुए वो देखते हैं। सबसे पहले जो होता है रायगढ़ जिले का गठन होता है। तो रायगढ़ जिले का गठन जो है कौन कौन से रियासत को मिला के किया गया है, रायगढ़, उदयपुर, सारंगढ़ और जसपुर, ठीक है। रायगढ़, उदयपुर, सारंगढ़ और जसपुर को मिलाकर रायगढ़ जिला बनाया जाता है। इसके अलावा बस्तर जो है बस्तर और कांकेर को मिलाकर यानी बस्तर रियासत और कांकेर रियासत को मिलाकर बस्तर जिले का गठन किया जाता है। इसके अलावा जो सरगुजा है, सरगुजा में सरगुजा, चांग बखार और कोरिया, ठीक है, सरगुजा, चांग बकार और कोरिया को मिलाकर सरगुजा जिले का गठन किया जाता है। तो 1948 में जो है 3 जिलों का यहाँ पर गठन किया गया है, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। इसके अलावा जो शक्ति रियासत रहती है उसको बिलासपुर जिले में शामिल कर दिया जाता है, और जो हमारे राजनांदगांव, खैरागढ़ और कवर्धा, छुई खदान, ये 4 रियासत जो रहती है इसको जो है दुर्ग जिले में मिला दिया जाता है। दुर्ग जिला जो कि 1906 में बन गया रहता है, तो इसको जो है दुर्ग जिले में राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा और छुई खदान को दुर्ग जिले में मिला दिया जाता है। फिर आगे चलकर जो 1973 में फिर जो राजनांदगांव जिला बनता है दुर्ग से अलग होकर, ठीक है। तो इतना पार्ट जो है 3 जिले 1948 में बनाए गए थे, इन रियासतों को मिलाकर अपने को ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है
जो हमारे यहाँ पर जब रियासत मिल जाती है मध्य प्रांत के क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में, तो वहां के जो नेता रहते हैं या रियासत के हम राजा बोल लेते हैं, जो पूर्वभूत राजा थे वहां पर, उन लोगों ने ये मांग रखते हैं कि जो जितने भी रियासत हैं उनको प्रांतीय विधानसभा में, यानी जो विधानसभा मध्य प्रांत की बनाएगी, उसमें कहीं ना कहीं उनको स्थान दिया जाए, ताकि वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वहां कर सके। क्योंकि जो ये क्षेत्र पहले देसी रियासत में शामिल थे, तो इन रियासतों का प्रांतीय विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, तो इन क्षेत्र का अवहेलना हो जाएगी। वहां पर कोई अगर उन क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, तो यहां पर जो है जितने भी रियासत के राजा रहते हैं उनको अधिकार दिया जाता है कि वो अपने अपने किसी एक आदमी को वहां पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जो चांद बकार रियासत के उस समय जो राजा रहते हैं वो भेजते हैं वीएल गुप्ता को, बस्तर के सूर्यपाल तिवारी को भेजा जाता है, सरगुजा से धीरेन्द्र नाथ शर्मा को भेजा जाता है, जसपुर से बुद्धनाथ साय को भेजा जाता है, उदयपुर से काशी प्रसाद मिश्रा को भेजा जाता है, सारंगढ़ से नरेश चंद्र सिंह जो कि स्वयं राजा है वो खुद जाते हैं, और छुई खदान से अमृत लाल महोबिया जाते हैं। इसके अलावा और भी जाते हैं, लेकिन उनको कौन से कौन किस क्षेत्र से ये कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला है, तो उसको मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। तो ये पूछा जा सकता है, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं पेपर में मैचिंग में पूछा जाता है, तो इसको आप मैचिंग के हिसाब से तैयार करके रखिएगा। ठीक है, तो इतना जो पार्ट है ये हो गया रियासत वाला। इसके अलावा जो है अब हम ये देखते हैं, जो मेंस में क्वेश्चन कभी 2 नंबर या कभी 20 नंबर में रियासतों के विलीनीकरण से पूछा जाता है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रियासतों के विलीनीकरण में ठाकुर प्यारे लाल की क्या भूमिका रही, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर एक बनाया जाता है, एक संगठन बोल लिया जाए, काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़। ठीक है, काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ 1946 में ये एक संगठन रहता है जिसको बनाया जाता है, जिसके प्रमुख रहते हैं ठाकुर प्यारे लाल। तो इस संगठन को या इसको बनाने का उद्देश्य यह रहता है कि ठाकुर प्यारे लाल जो रहते हैं, जितनी भी छत्तीसगढ़ में उस समय 14 रियासत रहती है, हर रियासत में लोगों को जाकर यह समझाने का प्रयास करते हैं कि अब जो समय आ गया वो राजतंत्र का नहीं बल्कि प्रजातंत्र का हो गया, यानी राजाओं के पास अधिकार ना होकर जनता के पास अधिकार होने चाहिए। ये इनके ये समझाने के पीछे का कारण ये रहता है कि अगर वो ऐसा लोगों को जाकर समझाएंगे तो लोग जो है रियासत को भारत में आगे चलकर शामिल करने के पक्ष में आएंगे और वहां की जनता को अधिकार मिलेगा। क्योंकि राजा जो है, अगर राजा केवल ऊपर रहेगा तो उसके जो अधिकार है वो अधिकतर राजा के पास ही रहेंगे। जनता जो है ना, तो किसी राजा को अगर अच्छा कर रहा है तब भी कुछ नहीं कर सकते, और अगर बुरा कर रहा है तब भी कुछ नहीं कर सकती जनता वहां पर। तो यहां पर जो है ठाकुर प्यारेलाल हर रियासत में जाकर लोगों से मीटिंग करते थे और उनको समझाने का प्रयास करते थे कि अब राजतंत्र का समय नहीं बल्कि अब प्रजातंत्र का समय आ गया है। तो वहां के लोग जो है अपने राजा के खिलाफ ही बगावत करने लगते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था कि जो रियासत के जितने भी राजा थे वो भारत में शामिल होने या मध्य प्रांत में शामिल होने के लिए यहां पर साइन करने के लिए विवश हुए थे। ठीक है, तो यही पॉइंट को जो है अच्छे से वहां पर समझा के लिख सकते हैं। तो काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ 1946, ठाकुर प्यारे लाल जिसके अध्यक्ष थे, तो ठाकुर प्यारे लाल इन रियासत की जनता को जाकर वहां पर समझाया करते थे कि आपको कैसे अपनी रियासत को जो है मतलब वहां प्रजातंत्र स्थापित करना है, यानी लोकतंत्र की व्यवस्था करना है, और जो राजतंत्र उसके शासन को खत्म कर देना है। तो ये काम होता था मुख्य रूप से काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ का, जो ठाकुर प्यारेलाल जिसमें शामिल थे। बाकी पूरे रियासत में जो मुख्य रूप से रविशंकर शुक्ल ने बहुत जगह भारतीय रियासतों को वहां पर मतलब जैसे बस्तर रियासत हैदराबाद रियासत बस्तर को अपने में शामिल करना चाह रही थी, तो ये सब जो रोकने में कहीं ना कहीं रविशंकर शुक्ल की भी प्रमुख भूमिका रही है। ठीक है, तो इतना ही पार्ट जो है भारतीय रियासतों से संबंधित जो था वो बचा था। इसके अलावा जो पार्ट बचा जंगल सत्याग्रह वाला हम कल के वीडियो में कवर कर लेंगे, और फड़िंग नागवंश वाला जो पार्ट बचा है उसको और किसान आंदोलन उसको एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि जो है आपका जो है आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, इसको जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। अभी तक यहां से मैचिंग में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन बहुत ज्यादा चांस बनता है कि आपसे मैचिंग में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। जितने भी यहां पर मैंने नाम लिखे उस समय राजा कौन था और कौन सबसे पहले साइन किया था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।